हेलो दोस्तों, मैं हूं एलिवेटर किंग ऑफ इंडियन से और मैं आज आपको बताऊंगा ये एडको 009 एसएमडी कंट्रोलर। एडको 009 में दो वर्जन हैं, आप देखेंगे, एक हमारा डबल डिस्प्ले और एक यहाँ पे भी चार डिस्प्ले होता है, उसमें एरर कोड्स वगैरह शो होते हैं, बट इसके अंदर नहीं है। वो लेटेस्ट वर्जन है, ये ओल्ड वर्जन है हमारा। तो ऐसे ये मदरबोर्ड है हमारा। सबसे पहले तो इसके बारे में बताऊंगे कि इसकी एलईडीज़ क्या क्या वर्क करते हैं। फिर सेकंड पे आता है हमारा रिले कार्ड, कि रिले कार्ड हमारा क्या वर्क, कौन सी रिले क्या काम करती है। फिर थर्ड पे है हमारा सेफ्टी कार्ड है, और फिर ये हमारा लगा एसएमपीएस। बाकी और इसके अंदर कोई वैसा नहीं है, बाकी फिर तो मेन वीएफटी है जो वोल्टेज हमारा मोटर की फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसे कहते हैं टू स्पीड। फर्स्ट में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे मदरबोर्ड के अंदर, तो ये हमारी सारी सर्किट्स हैं, जैसे C0, C1, C2, C3, L0, L1, L2, L3, ये जितने भी फेरोलिंग हैं, ये सारे फेरोलिंग आपको यहाँ कार्ड के अंदर ही मिलेंगे। ये काम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे C0 ये कैबिन का ग्राउंड फ्लोर का कॉल है, ऐसे ही हमारे सारे नंबरिंग बढ़ते चले जाएंगे। फिर L0 है लैंडिंग का ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे ही हमारे कॉल्स के हैं सारे, जो भी हमारे कॉल्स वगैरह के वायरें जाती है वो सारी यहीं से जाती हैं सारे। फिर ये आ जाता है हमारा एक UFC1। UFC1 होता है हमारा टॉप फ्लोर, जो भी टॉप फ्लोर कह लीजिए, जैसे फोर्थ तक हमारी लिफ्ट आ रही है, तो टॉप फ्लोर पे जो फर्स्ट लिमिट है ये UFC1 उसका होता है। अगर लिफ्ट इस पोजिशन पर नहीं खड़ी है तो ये LED आना चाहिए, और अगर पोजिशन पर खड़ी है तो लिफ्ट की LED नहीं आनी चाहिए। ये बेसिकली डायरेक्शन का काम करते हैं, डायरेक्शन लिमिट कहते हैं इसको। फिर है हमारा 12 वोल्ट GND, फिर URDR। URDR होता है अप रीड और डाउन रीड, और DFC1। DFC1 जैसे UFC1 का होता है वैसे DFC1 लिमिट है, जो कि डाउन का है, सबसे नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर कह लीजिए या पार्किंग है उसमें जो फर्स्ट लिमिट होता है वो DFC1 का होता है। फिर INS अप डाउन, DOP, DCP, डोर ओपन बटन, डोर क्लोज बटन, DOL, DCL लिमिट है, CDP, ड्राइव स्टॉप, CIL, ड्राइव स्टॉप। जैसे ड्राइव स्टॉप में मैंने देखा कई जने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ड्राइव स्टॉप होता क्या है। ड्राइव स्टॉप होता है हमारा फ्लोर के लिए, जो भी हमारा फ्लोर में फ्लोर सेंसर्स या कह लीजिए रीड स्विचेस लगाया जाता है, वो इसी को ऑपरेटेड होता है, डोर जोन कहते हैं जैसे। तो ये हो गया DRV स्टॉप, ड्राइव स्टॉप, ठीक है जी। CIL होता है हमारा कैबिन डोर की सेफ्टी के लिए होता है, जो कि यहाँ आप सर्किट भी देखेंगे कि CIL आ रहा है अभी। LIL लैंडिंग का सेफ्टी हो गया। स्टॉप हमने बेसिकली निकाला हुआ है कि नीचे बीच में बाईपास हो रहा था ये, तो ये LED अगर ऑन हो जाती है तो लिफ्ट नहीं चलेगी आपकी। फिर ऑटो है, फिर DFC2 UFC2। UFC2 जो होता है बेसिकली, ये हमारा जैसे हमारा UFC1 की लिमिट है उससे ऊपर सेकंड लिमिट होती है, वो उसका काम करती है, फाइनल लिमिट कह लीजिए। फिर DFC2 भी फाइनल लिमिट है हमारा, जो कि डाउन फाइनल है। फिर INS, फिर फायर, ये तो हो गया इस साइड का। फिर राइट हैंड में जो भी कनेक्टर्स है हमारा A B C D E F G H, ये हमारा 7 सेगमेंट हो गया। फिर हमारा ये आता है DC, DODC के लिए, यहाँ से कनेक्शन निकलेंगे। फिर ड्राइव वगैरह के लिए जैसे UPD, कॉमन, ऐसे स्पीड, स्लो स्पीड, हाई स्पीड, जितने भी सारे कमांड यहाँ से निकलेंगे आपको, यहाँ देख रहे हैं आप, सारा मेंशन है इस पे। कार्ड के ऊपर आपके वैसे भी फेरोलिंग अगर मान लो यहाँ पे नहीं है कोई भी ऊपर, तो कार्ड के नीचे पॉइंट में प्रिंटेड देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा रिले कार्ड। रिले कार्ड के अंदर आप देखेंगे DFC2 UFC2, ये दोनों LEDs आनी चाहिए, फाइनल लिमिट है ये। DFC1 UFC1, तो ये भी हमारा डायरेक्शन लिमिट है, अगर लिफ्ट बीच में तो ये दोनों आना चाहिए, अगर लिफ्ट उस फ्लोर खड़ी है सबसे नीचे या सबसे टॉप पे, तो उसी अकॉर्डिंग डायरेक्शन लिमिट ऑफ होना चाहिए। फिर SSPD, फिर SP2, स्लो स्पीड हाई स्पीड के लिए होता है रिले वगैरह हमारा। CIL, LIL लैंडिंग और कारगेट के लिए, ये हमारे दोनों LEDs हो गई, ये KEM है। फिर ब्रेक की रिले हो गई, DC लिमिट, DO, फैन, ये है अप डाउन, जैसे लिफ्ट जो चलेगी अप डाउन, आपकी लिफ्ट नहीं चली, सारी सेफ्टीज आ रही है तो रिले चेक करें आप पहले, ये तो हो गया इसका। फिर ये है सेफ्टी कार्ड।
सेफ्टी कार्ड का बेसिकली होता है कि जो भी हमारी एसी सप्लाई आ रही है नीचे से उसको डीसी करके आगे पास करने का काम करते हैं, ये सेफ्टी कार्ड। और ये हो गया हमारा एसएमपीएस 12 वोल्ट का। बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8010484812। थैंक यू।